मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। बरेली का लगभग 24 वर्ष का सपना पूरा सच हो गया। बरेली में हवाई यात्रा आज निर्धारित समय पर शुरू हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से T3 एलायंस एयरलाइंस की ATR-72 की पहली उड़ान ने सुबह 9 बजे बरेली की यात्रा शुरू की और हिप फ्लाइट सुबह लगभग 10 बजे बरेली पहुंची, जिसका उद्घाटन बरेली के कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार, उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने किया, जिसमें बरेली के एयरपोर्ट पर महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला। क्या शुभ नाम है आपका? पूर्णिमा। पूर्णिमा जी, आप एयरपोर्ट पे आई हैं, आज क्या वजह रही है, क्यों आई हैं? सर, मुझे देखना था कि एयरपोर्ट पे मतलब आज कैसा माहौल है, और मतलब सबसे पहली चीज़ तो बहुत खुशी हो रही थी कि हम भी बरेली में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हम लोग सारे लोग एयरपोर्ट पे आए हैं, और अगर रहा तो हम फ्यूचर में बैठेंगे भी अपने प्लेन में। तो मतलब ये एक नॉर्मल से जब बच्चा होता है, जैसे वो नहीं बैठ पाता तो उसका ड्रीम होता है कि नहीं, मैं भी हवाई जहाज में बैठूंगा। जब हम छोटे थे तो वो उड़ते हुए देखते थे, लेकिन आज हमारे हम यहाँ आए हैं और हम बैठेंगे भी। आज वुमेन इंटरनेशनल डे है। हाँ जी, आप क्या कहेंगी इस पर, आप महिला हैं खुद एक? हाँ, वुमेन्स के ऊपर पहली चीज़ तो मिशन शक्ति एक इतना अच्छा वर्ड है और इतना बड़ा वर्ड है कि हमें मतलब हम वुमेन्स हैं, हमें किसी को किसी से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में ही मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। जो लड़कियाँ घर से निकलती नहीं हैं, डरती हैं, तो मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे बहनें हों, चाहे बेटियाँ हों, चाहे किसी की बीवी हो, वो किसी से नहीं डरे, क्योंकि हमारे साथ में तो पुलिस भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है। तो अगर आपको कोई भी छेड़खानी करता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप दबने की जगह आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बरेली वासियों को बड़ी सौगात दी गई है एयरपोर्ट के रूप में, क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे ही नहीं, हम सबको, बरेली वासियों को उन्होंने इतना अच्छा और इतना प्यारा अवसर दिया कि हम सब फ्लाइट में बैठेंगे। थैंक यू। मेरा नाम शिक्षा है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, और अच्छा तो लग ही रहा है जाने। लगातार मतलब न्यूज़पेपर से ये पढ़ रही थी, जानकारी ले रही थी बराबर कि किस दिन फ्लाइट जाएगी, और जल्दी से अपना टिकट बुक करवा दी। और यहाँ तक कि घर में जब मैंने कहा कि मतलब मुझे जाना है फर्स्ट फ्लाइट से, तो मुझे लोगों का नहीं रहने दो, फिर कभी चलेंगे। मैंने कहा नहीं, फर्स्ट फ्लाइट से ही जाना है, और अगर साथ में नहीं जाना है तो अकेले जाना है। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। कैसा लग रहा है कि बरेली से फ्लाइट कम समय में जाना? बहुत खुशी की बात है ये हम सब के लिए भी, और ये हमारा बरेली विकास कर रहा है ऐसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मिसेस सर्वेशिया। आज आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। कैसा लग रहा है कि बरेली से आज से फ्लाइट शुरू हो रही है, कम समय में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि यहाँ से जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, 8-10 घंटे लगते थे, जाम में फंसना, कहीं टाइम से पहुँचना है वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है कि फ्लाइट यहाँ से चलने लगी, हमें कहीं जाने आने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।